उत्तराखंड की नई सरकार का पहला 3 दिवसीय विधानसभा सत्र 29 मार्च से शुरू होने जा रहा है, लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष को लेकर फिलहाल तस्वीर अब तक साफ नहीं हो पाई है। पार्टी में नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर खींचतानी मची हुई है। निवर्तमान नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह समेत कई नेता इस पद के लिए अपनी दावेदारी ठोक चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए नेता प्रतिपक्ष का पद सिरदर्द बना हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। नेता प्रतिपक्ष के चयन के मामले में कांग्रेस पुरानी परंपरा पर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। 16 दिन बीत जाने के बाद भी आपसी खींचतान के चलते कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष को लेकर अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। निवर्तमान नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह इस पद के लिए मजबूत दावेदार हैं, लेकिन हार के बाद पार्टी में मचे घमासान के बीच इस पद के लिए भी नए दावेदार सामने आने लगे हैं। इसे प्रीतम सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत गुटों में बढ़ती खींचतान के तौर पर देखा जा रहा है। हरीश रावत के करीबी धारचूला से विधायक हरीश धामी ने भी नेता प्रतिपक्ष के लिए अपनी दावेदारी ठोक चुके हैं, जिसके बाद मामला और भी पेचीदा हो गया है। देखिए, अब जहां तक नेता प्रतिपक्ष का आपने जिक्र किया है, ये कांग्रेस विधानमंडल दल और राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। इसको तय करने का अधिकार प्रीतम सिंह में निहित नहीं है। जहां तक सदन के अंदर किन विषयों को हम उठाएंगे, तो जब कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक होगी उसमें हम तय करेंगे कि ये जो 3 दिन का सत्र है, इन 3 दिन के सत्र में किन किन विषयों को हम प्रमुखता के साथ उठाने का काम करें। नेता प्रतिपक्ष के लिए निवर्तमान नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह पार्टी के भीतर सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। वो 6ठी बार चकराता विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए हैं। राज्य बनने के बाद से प्रीतम सिंह अब तक एक भी चुनाव नहीं हारे। साथ ही वो पिछली दोनों कांग्रेस सरकारों में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन उनके नेता प्रतिपक्ष बनने की राह आसान नहीं दिख रही, क्योंकि उन्हें पार्टी के भीतर ही चुनौती मिल रही है। हरीश धामी के अलावा पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य, बद्रीनाथ विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी और द्वाराहाट से विधायक मदन बिष्ट का नाम भी चर्चा में है। हालांकि कांग्रेस नेता कहते नजर आ रहे हैं इस पर मंथन चल रहा है। जल्द ही पार्टी नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर देगी। जो हाईकमान है इस पर गंभीरता से सोच के हमको नेता प्रतिपक्ष भी देगा और अध्यक्ष भी देगा। संभावनाएं हैं, लेकिन हम ये नहीं कह पा रहे हैं कि तत्काल कल या परसों में, लेकिन बहुत शीघ्र ही बैठक होगी विधानमंडल दल की कांग्रेस की, और नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष भी हमको बहुत जल्दी मिलने वाला है। ऐसे में इस पद को लेकर पार्टी में मचे घमासान को लेकर लगता है कि विधानसभा सत्र से एन पहले नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान किया जा सकता है। बता दें कि प्रदेश में नई सरकार का गठन हो चुका है और 29 मार्च से विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र होना है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे को घोषित हुए तकरीबन 15 दिन से अधिक का वक्त गुजरने जा रहा है, मगर कांग्रेस पार्टी अभी नेता प्रतिपक्ष के नाम को तय नहीं कर पाई है। दूसरी तरफ विधानसभा का बजट सत्र भी शुरू हो रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस पार्टी किसी गुटबाजी का शिकार है। कैमरा पर्सन अमरीश भट्ट के साथ मैं रामानुज, जी मीडिया, देहरादून।